पिछले साल चीन और भारत की खूनी भिड़ंत हुई थी गलवान घाटी में, उसी चीज़ों को जैसे उसमें उन्होंने चीनियों ने हमारे भारतीय सेना के खिलाफ कांटेदार डंडे और टेजर्स का प्रयोग किया था, उसके जवाब में हमारे भारतीय सुरक्षा बल ने हमें कुछ नॉन लीथल वेपन्स बनाने का प्रोजेक्ट दिया, जिसमें कि ये हमारा पहला नॉन लीथल वेपन है वज्र, जिससे जिसमें बिजली दौड़ती है और इसमें कांटेदार डंडे कांटेदार स्पाइक्स हैं, जो कि आप किसी भी दुश्मन अगर हमारे तरफ बढ़ रहा है तो उसे हम बस बटन करके हम उसे टच करा सकते हैं और वो तेज़ हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर कोई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हमारे तरफ अप्रोच कर रही है, दुश्मनों की गाड़ियाँ अप्रोच कर रही हैं, तो उसे हम पंचर कर सकते हैं इन कांटों से। ये हाई स्पीड स्टील कार्बन का बना है, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उनकी गाड़ियाँ पंचर हो जाएंगी और साथ ही साथ उनके गाड़ियों में करंट भी आ जाएगा, ठीक है। कुछ दिनों पहले पिछले साल उन्होंने अपने ट्रेडिशनल वेपन्स भी लाए थे चीनियों ने, हमारे भारतीय सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया था। उसी सीरीज़ में हमने दूसरा वेपन बनाया नॉन लीथल वेपन, एक त्रिशूल, जो कि हमारा ट्रेडिशनल हथियार है। जैसा पूरे भारत में सब लोग जानते हैं त्रिशूल क्या है, तो ये भी एक नॉन लीथल वेपन है। इसमें भी बिजली दौड़ती है और साथ ही साथ ये गाड़ियों को पंचर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे ऑपरेट करने के लिए बस इसका बटन प्रेस करें नॉन लीथल वेपन्स की सीरीज़ में। ये तीसरा नॉन लीथल वेपन है जिसका नाम है सैपर पंच। इसे भी चीनी दुश्मनों के खिलाफ ही उनके लिए उनके अगेंस्ट इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। इसे इस्तेमाल करने के लिए कुछ नहीं, बस इसे ग्लव्स के फॉर्म में पहनना है अपने हाथ में। इसमें भी बिजली दौड़ती है और इससे हम दुश्मनों को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ये काफ़ी मददगार साबित होगा सैपर पंच। इसमें बस ये यहाँ पे इसके बटन है, आप ग्लव्स पहन के इसे सिंपली इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन लीथल वेपन्स की सीरीज़ में ये हमारा चौथा प्रोडक्ट है भद्र। इसका नाम भद्र है, जो कि एक शील्ड है और इस शील्ड में इस पूरे सेक्शन में एक करंट दौड़ती है, बिजली दौड़ती है, जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं जाके सामने से हमारे दुश्मन अगर हथियार करते हैं, पत्थर फेंकते हैं या कांटेदार कुछ भी फेंकते हैं, तो इसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमारे जवान प्रोटेक्ट बच सकते हैं। और साथ ही साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ये काफ़ी मददगार होगा। ये सामने वाले दुश्मन को टेम्परेरली अंधा सा कर सकता है, उनकी आंखों में ये लाइट पड़ेगी और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ इसमें एक बिजली भी दौड़ती है, जो कि उन्हें सामने की तरफ मूव करने से रोकेगा।
नॉन लिथल वेपन्स की सीरीज में हमारा पांचवा प्रोडक्ट है डंड। ये छोटा सा हैंडी बैटन है जो कि इसमें भी बिजली दौड़ती है और ये भी एक टेजर सिस्टम है। इसे यूज़ करने के लिए एक सेफ्टी स्विच है हमारे हाथ में, जो जिससे कि कोई भी दुश्मन अगर इसे छीन भी लेता है तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाएगा अनलेस एंड अंटिल ये स्विच उसके हाथ में हो। इस स्विच से आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। हमारा छठा प्रोडक्ट है डंड वर्जन 2, जिसमें कि सेम सिस्टम है। ये हैंडी के बजाय ये लाठी, लंबी लाठी के फॉर्म में है, जैसा कि ट्रेडिशनल लोग जवान हमारे यूज़ करते हैं। बस इसमें भी बिजली दौड़ती है और साथ में इसे भी ऑपरेट करने के लिए एक सेफ्टी स्विच लगेगा। इस सेफ्टी स्विच के बिना कोई भी ऑपरेट नहीं कर सकता। इन सारे नॉन लिथल वेपन्स से किसी की भी मृत्यु नहीं हो सकती। ये टेम्परेरली उन्हें दूर करने के लिए हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मददगार मतलब यूजफुल इक्विपमेंट्स हैं ये। सर, जैसा कि मैंने बताया कि ये भारतीय सुरक्षा बल के द्वारा दिया गया एक प्रोजेक्ट था, जिनमें कि इन इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए हमें कहा गया था। स्पेसिफिकली हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं ले सकते, लेकिन ये हमने भारतीय सुरक्षा बल के कई सारे बटालियंस में हमने देना शुरू कर दिया। इनफैक्ट डिलीवर भी कर चुके हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है उनका, और कई सारे ऑर्डर्स और भी एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ये बिल्कुल भी लीथल नहीं है, किसी की भी मौत नहीं हो सकती इनसे। बस टेम्परेरी दूर करने के लिए, किसी भी दुश्मन को अपने नज़दीक नहीं आने देने के लिए यूज़ हो सकता है। ये UN एक्ट सेक्शन 55 नॉन लीथल वेपन्स के एक्ट के तहत बनाया गया। किसी की भी मृत्यु नहीं होगी इससे।